सब लोग ध्यान से सुनिए। अभी पूजने भिकुसंग महापरित्राण पाठ करेंगे। ये महापरित्राण पाठ जो परित्राण से ज्यादा सूत्रों का पाठ करते हैं उसे महापरित्राण कहते हैं। फिर ये परित्राण क्या है? परित्राण, परि चारों ओर से, त्राण आरक्षा सुरक्षा, परि समन्तो तायति रखतीति परितं। हमारे जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय समस्याओं से जो आरक्षण देता है, जो सुरक्षा देता है, उसे परित्राण कहते हैं। परित्राण तथागत बुद्ध के सत्यवाणी है, तथागत बुद्ध के करुणावाणी है, तथागत बुद्ध के मैत्रीवाणी है। इसलिए ये तथागत बुद्ध के बहुत सारे जो सत्य वचन को प्रकट करते हुए इस सत्य वचन के अनुभव से आप लोगों को सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करने वाले ये परित्राण है। हर एक परित्राण, हर एक सूत्र पाठ करने के बाद पूजने भिक्खु संघ ये भी प्रार्थना करते ये भी कहते हैं, ये तेन सच वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से सब सोथिते हो तो सर्वदा आप लोगों को स्वस्ति हो, शांति हो। ये तेन सच वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से सब दुखा, सभी दुखा, सब भया, सभी भये, सब रोगो, सभी रोग विनाशतो विनाशो। ये तेन सच वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से हो तु ते जय मंगलं, हमेशा हमेशा जय मंगल हो। इस तरह से हर एक परित्राण के बाद इस तरह सत्य क्रिया भी कहते हैं। तो तथागत बुद्धा बुद्ध गया के बोधि वृक्ष नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी अच्छे अच्छे उपदेश थे उन्हें उपदेशों का सार संक्षेप ये परित्राण है, ये सूत्र है। हाँ, ये भगवान बुद्ध का उपदेश है। ये परित्राण सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। अगर सुनना ही इतना पुण्य है, धम्म है, तो इसे पालन करेंगे तो कितना पुण्य होगा, सभी दुखों से मुक्त भी हो सकते हैं। तो ये परित्राण पाठ ऐसे टीवी देखने जैसा, ऐसे म्यूजिक लगाने जैसा, ऐसा परित्राण पाठ नहीं है। जितने आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उतने ज्यादा ये परित्राण का प्रभाव लगता है। इसलिए बौद्ध वांग्मय में परित्राण सुनने वाले और परित्राण करने वालों से तीन तीन अंग परिपूर्ण होना चाहिए, ऐसा उल्लेख है। तो परित्राण करने वाले जो परित्राण करते हैं वो परित्राण को समझ के पाठ करना चाहिए, शुद्ध रूप से पाठ करना चाहिए। और परित्राण सुनने वालों के तरफ मैत्री करुणा से पाठ करना चाहिए, बिना लोभ बिना लालच मैत्री करुणा पूर्वक पाठ करना चाहिए। और जो परित्राण सुनने वाले आप उपासक उपासिकाएं भी, परित्राण जो सुन रहे उसमें श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ये परित्राण भगवान बुद्ध के वाणी है, ये सुनने से हमारा कल्याण होगा। दूसरा, परित्राण सुनते समय एकाग्र होना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मोबाइल पे चल रहा है, कहीं वहाँ पे चर्चा कर रहा है, बातें कर रहा है, और कोई उठ के सोने जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। ध्यान पूर्वक एकाग्र होके सुनना चाहिए। और तीसरा, पंच महापाप से मुक्त होना चाहिए। जो व्यक्ति पंच महापाप करते हैं उन लोगों को परित्राण का प्रभाव नहीं लगता। जैसे मरे हुए पेड़ को जितना भी पानी दो वो फिर से जिंदा नहीं होता, वैसे ही पंच महापाप जो करते हैं उन लोगों को परित्राण का प्रभाव नहीं लगता। अभी पंच महापाप बोले तो क्या है?
जो जन्मदाता माता की हत्या करते हैं, जो जन्मदाता पिता की हत्या करते हैं, जो दुख मुक्त अर्हत हो चुके उनकी हत्या करते हैं, जो तथागत बुद्ध के शरीर से खून बहाता है या चोट पहुंचाता है, और जो संग को भेद करता है, अलग करता है, ऐसे पांच महापाप कोई करता है तो उन लोगों को परित्राण भी कुछ प्रभाव नहीं कर सकता, तो इनसे मुक्त होना चाहिए। तो ऐसे श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक परित्राण सुनेंगे तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा लगता है। एक बार तथागत बुद्ध के सामने आके पूछता है कि परित्राण क्या सभी को लगता है क्या? राजा मिलिंद भी नागसेन अरत भंति को पूछते हैं कि यह परित्राण सभी को प्रभाव लगता है क्या? तो नागसेन भंति जी कहते हैं नहीं लगता। तो राजा कहते इतने अच्छे परित्राण है, बुद्धवाणी है, क्यों सभी को नहीं लगता? तो फिर नागसेन भंति समझाते हैं ये जो खाना है, जो आहार है, वो खाना सभी के लिए अच्छा होता है क्या? वो भोजन सभी के लिए कल्याणदायी होता है क्या? तो राजा कहते हैं नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई ज्यादा ही खाएंगे तो अपच हो जाएगा, कोई अपने जो शरीर को सूत नहीं होता, शरीर के मुताबिक नहीं होता, ऐसे खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, उल्टी हो जाएंगे, जो अच्छे से मात्रा जान के खाएंगे उसको ही वो आहार, वो भोजन अच्छा रहेगा। तो अरत नागसेन मंत्र कहते हैं एक भोजन भी हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, वैसे ही परित्राण भी सबके लिए प्रभावकारी नहीं रहता। जो ध्यान से सुनते हैं, जो श्रद्धा से सुनते हैं, उन लोगों को ही परित्राण का प्रभाव लगता है। तो ये परित्राण में तथागत बुद्ध के गुण धम्म है, धम्म के गुण धम्म है, संग के गुण धम्म है, और अनंत अनंत बोधिसत्वों के भी गुण धम्म है। इसलिए ये परित्राण पाठ सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। परित्राण पाठ सुनना ही धम्म है, तो महापरित्राण पाठ सुनना तो और भी बड़ा पुण्य हो गया, धम्म हो गया। इसलिए पूजने भिक्खु संग कहाँ कहाँ से जमा होके अपने घर में ये धम्म देशना और महापरित्राण पाठ होने वाला है, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए इस अवसर को ज्यादा से ज्यादा पुण्यमय बनाने के लिए ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ये परित्राण पाठ सुनिए। अच्छे से परित्राण पाठ सुनेंगे ऐसा अधिष्ठान करते हुए बैठिए। रात का समय है, नींद लगेगा, आलस लगेगा, कितना भी आलस लगो, कितना भी नींद लगो, ये परित्राण पाठ आज के दिन सुनना है। अगर उठ के जाना है तो आराम से धीरे से किसी को डिस्टर्ब किए बिना, किसी को बाधा दिए बिना आराम से जाना है, पानी पीना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, फिर से धीरे से आके बैठना है, पर सुनना है। आलस हो गया करके जाके सोना नहीं है, आलस हो गया करके इधर उधर जाना नहीं है, फिर से तुरंत आना है। इसलिए अब ये परित्राण पाठ पूजने भिक्खु संघ शुरू करेंगे। अब परित्राण पाठ प्रार्थना के लिए सब लोग हाथ जोड़िए। पूजने भिक्खु संघ को महापरित्राण के लिए जो प्रार्थना करना है पाली गाथा द्वारा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग कहिए। विपत्ति पतिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय परितं ब्रूत मंगलं विपत्ति पतिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब भय विनाशाय परितं ब्रूत मंगलं
विपत्ति पतिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोगो विनाशाय परितं ब्रूत मंगलं साधु 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 समन्ता चकवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजा सुनन्तु सगमोक्खदं धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये संता संतचेताति शरण शरण यथलोकान्तरे वा भुम्मा भुम्मा च देवा गुणगणगहन व्यावता सर्वकालं ये ते आयान्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तो सहेतुं मुनिवरवचन श्रोतु मग्गं समग्गा सापेषु चक्कवालेषु यक्खादेवा च ब्राह्मणो यामामेहि कथं पुण्य सापसम्पत्ति साधकं सवेतं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता पमादरहितावान्तो आरक्षासु विशेषतो शासनशलोकस उद्धि भवतु सर्वदा शासनं पिञ्चलोकञ्च देवा रक्षन्तु सर्वदा साधिन्वन्तु सुखे सर्वे परिवारे हि आतनो अनेकासु मनावान्तो सहसाभ्ये ज्ञातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञेतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा कानुकतो वा कन्दकतो वा नखततो वा जनपदरोगतो वा असदम्मतो वा असन्दितितो वा असपुरिशतो वा असमेघ
गोना कुकुरा आहि वेचे का माने सापा दे पे आचा तारचा सुकरा माइंसा यकरा कसा दे हे नाना भाये तो वा नाना रोग तो वा नाना उपदव तो वा सबे आरक्खंगन्नन्तु येतेन साच वाजेन सोतिते होतु सबदा येतेन साच वाजेन सबदुखा सबभया सबरोगो विनाशतु येतेन साच वाजेन होतु ते जय मंगलं एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावतियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिका सारामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकान्तवान् अभिकान्ताय रात्या अभिकान्तवान् केवलकाप्यं जेतवनं उपासे त्वा येन भगवा तेनुपसङ्गमे उपसङ्गमे त्वा भगवन्तमभिवादे त्वा एकमन्तम् अत्तासि एकमन्तम् दिताकोशा देवता भगवन्तम् गताय आचभासि बहुदेवा मनुषाच मङ्गलानि अचिन्तयुं आकङ्कमाना सोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमोत्तमं असेवना च बालानं पण्डितानां च सेवनम् पूजा च पूजनीयानं एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च गोपे च कतपुण्यता आतसम्मापनिदे च एतं मङ्गलमुत्तमं बाहुसचाञ्चसि पाञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यावाच एतं मङ्गलमुत्तमं मातापितु उपत्थानं पुत्तदारससङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धर्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गहो अनवज्जानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पाप मजपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च शान्तोति च कतान्युता कालेन धम्मश्रवणं
Yetang mangalamottamang Kanti ca sovaca sada Samananan ca dasanang Kalena dhamma sakaccha Etang mangalamottamang Tapo ca brahmachariyancha Ariya satchana dasanang Nibbana satchikiriyacha Etang mangalamottamang Putasalo kadammehi Cittang yasana kampati Asukang virajang kema Etang mangalamottamang Etadisanikatvana Sabbatamaparajita Sabbata sotinga chanti Tante sang mangala mutta mangti Yetena satcha vajjena Sotite hotu sabbada Yetena satcha vajjena Sabbadukha sabbabhaya Sabbarogo vinasato Yetena satcha vajjena Otu te jaya mangalam Yani dabhutani samagatani Pommani vayani va antalike Sabbe vabhuta sumana bhavantu Atopi sakkaccha sunantu bhasitam Tasmahi bhutani sammita sabbe Metang karota manusia pajaya Divacarato cahara tiyebaling Tasmahi nerakata apamata Yang kenci vittang idava urangva Sagge suvayang ratanang panidang Nano samangati tathagatena Idam bibuddhe ratanang panidang Etena satchena suvati hotu Tasmahi bhutani sammita sabbe Metang karota manusia pajaya Divacarato caharanti ebaling Tasmahi nerakata apamata Yang kenci vittang idava urangva Sagge suvayang ratanam panidang Nano samangati tathagatena Idam pibuddhe ratanam panitam Yetena satchena suvati otu Khayang viragang amatang panitang Yada jaga sakya muni samahito Natena dhammena samatthi kinci Idam vidhamme ratanang panitang
एतेन साचेन सुवाति होतु यं बुद्ध सेतो परिवन्नाय सुचे समाधिमानन्तरिकन्यमाहो समाधिनाथेन समो न विजति इदं पिदं मे रतनं पनिदं एतेन साचेन सुवाति होतु ये पुग्गला अत्तसतं पसत्ता चत्तारि एतानि युगानि वन्ति ते दक्षिणेया सुगता सवका एते सुदिन्नानि महाफलानि इदाम्पि संगे रतनं पनिदं एतेन साचेन सुवाति होतु ये सुपयुक्ता मनसा दल्लेन निकामिनो गोतमसासनं मे ते पातिपाता अमतं विगह्य लता मुदा निभूतिं भुञ्जमानः इदाम्पि संगे रतनं वनिता एतेन साचेन सुवाति होतु यतिन्द्रकीलो पतविंसितोषया चतुर्विवाते हि असम्पकाम्पियो ततोपमं सपुरिषं वदामि यो आर्यसत्यानि अवेचपसति इदाम्पि संगे रतनं पनिता एतेन साचे सुवाति होतु ये आर्यसत्यानि विभावयन्ति गम्भीरपन्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते वान्दिपुसङ्गमता न ते भवाङ्गात्तम आदियन्ति इदाम्पि संगे रतन पनिदा एतेन साचेन सुवाति होतु सहवसदासन सम्पदाय तया सुधम्म जहिता भवन्ति सकाय देति विचिकिचितां च शीलाभतां वापि यदति किञ्चि चतुः पाये च विपमोतो चचाभितानानि अपपकातुम् इदाम्पि संगे रतनं वनिदा एतेन साचेन सुवाति होतु किञ्चापि शोकं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबाबो सोतासपते चादाय अबाबदादे तपदासोता इदाम्पि संगे रतनं पनिदा एतेन साचेन सुवाति होतु वनापगम्
बे यथा पोषिताज्ञे गिम्मानमासे पथमस्मिन् गिम्हे ततोपमं धम्मवरं अदेशये निब्बानगामि परमं हिताय इदं विबुद्धे रतनं वनितम् एतेन सच्चेन सुवाति होतु वरो वरान्यो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरं आदेशये इदं विबुद्धे रतनं वनितम् एतेन सच्चेन सुवाति होतु खीनं पुराणं नवनाति सम्भवं विरतचित्ता इति केवास्मिन् ते खीन विजा विरुल्लि छन्द निबन्ति तीरा यथायं पदीपो इदं विसङ्गे रतनं पनीतं एतेन सच्चे न सुवाति होतु यानि दभूतानि समागतानि ब्रह्मानि वायानि अन्तलिके तथागतं देवमनुषपूजितं बुद्धं नमस्सामि सुवाति होतु यानि दभूतानि समागतानि ब्रह्मानि वायानि अन्तलिके तथागतं देवमनुषपूजितं तं नमस्सामि सुवाति होतु यानि दभूतानि समागतानि ब्रह्मानि वायानि अन्तलिके तथागतं देवमनुषपूजितं सङ्गं नमस्सामि सुवाति होतु एतेन सच वाज्येन श्रोतिते होतु सर्वदा एतेन सच वाज्येन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच वाज्येन होतु ते जय मङ्गलम् करणीयमर्थकुशलेन यन्तं शान्तं पदा अभिशमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वानतिमानि सन्तोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकोति शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगाभो कुलेषु अननुगेदो न च कुदं समाचरे किञ्चित् येन वेण्यो परे उपवदयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभे सत्ता भवन्तु सुखिता ये केचि पानभूताति तसावतावराव अनवशेषा दीका वा ये वा महन्ता वा
मछिमारा सका अनुकतुला देतावा एवा देता ये चादुरे वसांति अभिदुरे होतावा संभवे सेवा सबे साता भवान्तु सुखिताता ना परो परान्ने को बेता नाते मान्ये तकाता चिनं प्यारो साना पातिगा सान्या नान्या मान्या सदुका में चैया माता यता नियां पोता आयुसा ये का पोता मनुराके एवांपि सब्बभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सब्बलोकास्मिं मानसं भावये अपरिमाणं उतं अधो च तिर्यं च असंबादं अवेदं असपतं तीर्थं चरं निसेनो वा सयानो वा यावता सविगतमेदो एतं सतिं अधितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतें चानुपगम्मशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं न हि जातु गर्भशय्या पुनरेति एतेन स च वाजेन शोतिते वोतु सर्वदा एतेन स च वाजेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगा विनाशतु एतेन स च वाजेन होतु ते जय मङ्गलम् तन्नं करो महावीरो मेधं करो महायशो शरणं करो लोकहितो दीपं करो ज्योतिन्दरो कौन्दन्यो जनपामोको मङ्गलो पुरिशासवो सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रतिवदनो शोभितो गुणसम्पन्नो अनोमदस्य जनोत्तमो पदुमो लोकपज्योतो नारदो वरसारथि पदुमोत्तरो सत्सारो सुमेधो अग्गपुग्गलो सुजातो सब्बलोकाग्गो पियदासे नरासभो अथदासे कारुणिको तमदासे तमोनुदो सिद्धातो असमो लोके तिसो वरद संवरो पुसो वरद सम्बुद्धो विपस्से च अनुपमो सिके सब्बहितो सत्ता वैसभो सुखदायको
ककुसान्दो सत्तवाहो को नागमनो रानंजहो कासपो सिरिसंपन्नो गोतमो सख्यपुंगहो ते संसच्चेन सीलेन खान्तिमेत्ताबलेन च तेऽपि त्वाम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च तेषां सच्चेन शीलेन कान्तिमेत्ताबलेन च तेऽपि त्वाम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च तेषां सच्चेन शीलेन कान्तिमेत्ताबलेन च तेऽपि त्वाम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च ते एतेन सच्च वाचेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्च वाचेन सर्वदुःखा सर्वपाया सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच्च वाचेन होतु ते जय मङ्गलम् महाकारुणिको नाथो हिताय सर्वपानिनं पूरे त्वा पारमि सर्वपतो सम्बोधिमुत्तमम् तेन सच्च वाचेन होतु ते जय मङ्गलम् जयन्तो बोधियामूले सख्यानां नन्दिवदनो एवं तुय्यं जयो होतु जयसु जय मङ्गले साकत्वा बुद्धरतनम् ओषधं उत्तमं वरं हितं देवमनुषाणां बुद्धतेजेन सोतिना नासान्दुपादवासाभे दुःखोपशमेन्तु ते सकत्वादम्मरतनम् ओषधं उत्तमं वरं परिलाउपशमनं ताम्बतेजेन सोतिना नासान्तुपादवासाभे पयाउपशमेन्तु ते सकत्वा सङ्गरतनम् ओषधं उत्तमं वरं आहुनेयं पाहुनेय सङ्गतेजेन सोतिना नासान्तुपादवासाभे रोगाउपशमेन्तु ते यां किञ्चिरतनं लोके वेचति विविदापुतो रतनं बुद्धसमं नाते तस्मासोति भवान्तु ते यां किञ्चिरतनं लोके वेचति विविदापुतो रतनं धम्मसमं नाते
तस्मा सो ते भावान्तु ते यां किञ्चिरतनं लोके वेजाते विविधापुतो रतनं संगसमन्नाते तस्मा सो ते भावान्तु ते नाति मे शरणं अन्य बुद्धो मे शरणं वरं येतेन सच वज्जेन होतु ते जय मङ्गलं नाति मे शरणं अन्य धम्मो मे शरणं वरं येतेन सच वज्जेन होतु ते जय मङ्गलं नाति मे शरणं अन्य सङ्गो मे शरणं वरं येतेन सच वज्जेन होतु ते जय मङ्गलं येतेन सच वज्जेन सोति ते होतु सर्वदा येतेन सच वज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतु येतेन सच वज्जेन होतु ते जय मङ्गलं बाहुं सह समभिनिं मितसायुधान्तं गिरिमेखलं उदितगोरं ससेनमारं दानादिदाम्मविदिना जितवा मुनेन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि मारातिरे कामभियो चितसाबराते कोरं पना लवकमक मतादयखं खान्ति सुदान्तविदिना जितवा मुनेन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि नालागिरिं गजवरं हतिमातभूतं दावगिच कमसनेव सुदारुनन्तं मेताम्बुसे कविदिना जितवा मुनेन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि उक्खितकागमतिहाथ सुदारुनन्तं धावन्ति यो जनपदं गोलिमालवन्तं इति विशङ्कतमनो
जितवा मुनेन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि कत्वा न कतमुदरं इव गाभिनीया चिञ्चाय दुत्तवचनं जनकाय मचे शान्तेन सोमवेदिना जितवा मुनेन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि सचां विहाय मतिसा चकवादकेतुं वादाभिरोपितमनां अतियान्दभूतं पाण्यापादीपजलितो जितवा मुनेन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नन्दोपानन्दभुजगं विभूतं महीदिं पोतेन तेरभुजगेन दमापयन्तो इदुपादेशवेदिना जितवा मुनेन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि दुर्गा हदेति भुजगेन सुदतः तं ब्राह्मं विशुद्धि ज्योतिमेति बकाभितानं ज्ञानागदेन विदिना जितवा मुनेन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि ये तापि बुद्ध जयमं गलात्तगाथा यो वाचको दिनदिने सरते मतान्दि हित्वान नेकविविधानि चुपादवानि मोक्खं सुखं अधिगमेय नरो सपान्यो येतेन सच्च वज्जेन सोतिते होतु सर्वदा येतेन सच्च वज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतु येतेन सच्च वज्जेन
होतु ते जय मंगलं साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि तम को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।